हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी RK1 में। तो आज हम लोग विटामिन एवं पोषण से संबंधित 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कैसिमीर फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, विटामिन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दो है, विटामिन्स क्या होते हैं? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, कार्बनिक यौगिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, सोडियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चार है, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, वसा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पाँच है विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म रोग को स्वस्थ करने में जरूरी होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, विटामिन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर छः है, विटामिन सी का मुख्य स्रोत है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, कच्चे एवं ताजे फल विटामिन सी के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सात है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, आंवला। विटामिन सी का आंवला सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आठ है, निम्न में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, संतरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नौ है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दस है, विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, संतरा। संतरा में विटामिन सी पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, घाव को भरने में सहायक विटामिन है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, विटामिन सी घाव को भरने में सहायक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा अस्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, आंवला अस्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, विटामिन के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, विटामिन के की आवश्यकता होती है रक्त की थक्का बनने में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, विटामिन डी का स्रोत है तो सूर्य का किरण में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो जैसा कि अभी ऊपर पता चला कि विटामिन डी में पाया जाता है सूर्य किरण, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, विटामिन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, विटामिन डी की अल्पता से रोग होता है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, विटामिन डी में कैल्सिफ्रोल पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, रौतंधी निम्नलिखित की कमी के कारण होती है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, रौतंधी विटामिन ए में महत्वपूर्ण योगदान देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आज का लास्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है? तो मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, यकृत।